हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज की, यानी 3.1 हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो इसमें पहला क्वेश्चन है वो है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times as old as you were then, ऑल्सो 3 years from now आई शैल बी 3 times as old as you will be, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है कि उसकी जो एज थी 7 साल पहले वो उसकी बेटी के 7 times थी, और वो फर्दर ये भी कह रहा है कि आज से 3 साल बाद उसकी जो एज होगी वो उसके डॉटर के 3 times होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूछा है कि इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली दिखाओ और साथ में ग्राफिकली भी दिखाओ। तो एल्जेब्रिकली शो करने का मतलब है कि हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में दिखाएं, और ग्राफिकली का मतलब है कि हम इसके लिए ग्राफ भी प्लॉट करके दिखाएं। ठीक, तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ना तो अल्ताफ की एज दी हुई है ना ही उसके डॉटर की एज दी हुई है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे 2 variables हैं। वेरिएबल्स मतलब जिनकी हमें वैल्यू नहीं पता है। तो हम एक वेरिएबल एज्यूम कर लेंगे अल्ताफ की एज को, और दूसरा वेरिएबल हम एज्यूम कर लेंगे उसके डॉटर की एज को। ठीक है, और फिर हम क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने इस चैप्टर के बेसिक्स में देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 variables में 2 variables होते हैं, और लीनियर इक्वेशन इन 2 variables को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन भी जो बनेंगी वो 2 equation बनेंगी। तो जो भी हमारे पास प्रॉब्लम दी होगी उसमें कंडीशंस इस टाइप से दी होंगी कि ताकि हमारी 2 equation जरूर बन रही होंगी। ठीक है, तो जिन क्वेश्चंस में कुछ साल पहले की एज दी हो और कुछ साल बाद की एज दी हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले जिस भी पर्सन की हमें उस क्वेश्चन में एज निकालनी है उनकी हम प्रेजेंट एज को कुछ कंसिडर कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम आफ्ताब की जो एज है और जो उसकी डॉटर की एज है उसको कुछ कंसिडर कर लेंगे, यानी हम उन दोनों की एज को कुछ वेरिएबल कंसिडर कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने मान लिया लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज बी एक्स, और इसी टाइप से हमने उसकी डॉटर की एज भी मान ली, तो हमने मान लिया लेट हिज डॉटर्स प्रेजेंट एज बी वाई। ठीक है, तो हमने दोनों की एज मान ली है, आफ्ताब की एज एक्स मान ली है, उसकी डॉटर की एज को हमने वाई मान लिया। ठीक, तो अब हमें जो लीनियर इक्वेशंस बनानी है वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो जो भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम इसकी इक्वेशंस बनाएंगे। तो जो इसमें पहला स्टेटमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम पहली लीनियर इक्वेशन बना लेंगे, जो इसमें दूसरा स्टेटमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसकी दूसरी इक्वेशन बना लेंगे। तो जो इसमें पहला स्टेटमेंट था उसमें आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि आज से 7 साल पहले मेरी जो एज थी वो तुम्हारी एज के 7 times थी। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग ही जो है इक्वेशंस को बनाएंगे, लेकिन हमें इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, उन दोनों की 7 years पीछे जाके एज देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो 7 years ago यानी 7 साल पहले की जो एज है वो कैसे निकली होगी इनकी, आफ्ताब एज इक्वल टू हो गया एक्स माइनस 7। ठीक है, क्योंकि जो आफ्ताब की प्रेजेंट एज है वो 7 है अभी की उसकी, तो आज से 7 साल पहले जो उसकी एज रही होगी वो प्रेजेंट एज में से हम 7 माइनस कर लेंगे, और प्रेजेंट एज उसकी एक्स है तो एक्स माइनस 7 उसकी 7 साल पहले की एज होगी। इसी टाइप से जो उसके डॉटर की एज रही होगी वो वाई माइनस 7 रही होगी। ठीक, क्योंकि उसके डॉटर की अभी की प्रेजेंट एज है वाई, तो आज से 7 साल पहले 7 उसमें से कम कर लेंगे तो वाई माइनस 7 उसकी एज हो जाएगी। ठीक, तो ये तो आफ्ताब की और उसके डॉटर की 7 साल पहले की एज आ गई। अब जो इक्वेशन बनानी है वो जो स्टेटमेंट था उसके अकॉर्डिंग बनेगी। तो स्टेटमेंट था कि उसके फादर की जो एज थी आज से 7 साल पहले वो अपनी बेटी के 7 times थी। ठीक है, तो ये है उसके फादर की एज यानी आफ्ताब की एज एक्स माइनस 7, और ये है उसके डॉटर की एज वाई माइनस 7, 7 साल पहले की एज। अब इसके फादर की जो एज है वो 7 times है उसके डॉटर की एज के, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि उसकी बेटी तो उससे छोटी है, तो उसकी बेटी की एज को अगर 7 times कर दिया जाए तब जाके वो उसके फादर की एज के इक्वल होगी। ठीक है, क्योंकि हम जो इक्वेशंस को लिखते हैं उसको हम इनइक्वालिटीज के फॉर्म में तो लिखते नहीं है, हम उसको इक्वल टू करके दिखाते हैं हमेशा। तो इक्वल टू करके दिखाने के लिए हमें उसकी बेटी की एज को उसके फादर की एज के इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 times y minus 7। ठीक है, तो ये जो फादर की एज है वो 7 times उसकी बेटी की एज हो गई। ठीक है, तो जब बेटी की एज को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके वो जो एज बनेगी वो इक्वल हो जाएगी उसके फादर की एज के। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे हम इक्वेशन को हमेशा इक्वालिटी के फॉर्म में दिखाते हैं, तो हम इसको इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जो है 7 साल पहले उसके फादर की एज जो है वो इक्वल टू हो गई 7 टाइम्स उसके डॉटर की एज, ठीक। तो हमेशा ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चंस में इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो छोटी वैल्यू होती है उसको हमेशा हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से, ताकि उसको जो हमारे पास बड़ी वैल्यू है उसके इक्वल कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डॉटर की एज को इसके फादर की एज के इक्वल करना था, तो वो जो 7 टाइम्स क्वेश्चन में था वो 7 हमने मल्टीप्लाई किया उसकी डॉटर की एज से, ठीक है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चों को ये डाउट होता है कि ये जो 7 टाइम्स बोला है तो ये 7 किधर मल्टीप्लाई होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को लगता है कि ये तो फादर की एज थी 7 टाइम्स, तो ये तो 7 मल्टीप्लाई होना चाहिए था फादर की एज से। लेकिन 7 टाइम्स अगर मैं फादर की एज कर दूंगा तो वो तो और ज्यादा बड़ी हो जाएगी फादर की एज। हमें क्या करना है, इक्वेशन में इक्वल दिखानी है दोनों एज, और इक्वल वो तभी आएंगी जब हम छोटी एज को बड़ी एज के इक्वल करके दिखाएंगे, और वो तभी हो पाएगा जब हम छोटी वाली एज को जो भी उसमें नंबर दिया है 7 टाइम्स 6 टाइम्स उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो उसकी डॉटर की एज थी उसको 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, तब जाके वो फादर की एज के इक्वल हो गए। तो आज से 7 साल पहले की कंडीशन हमने ऐसे करके शो कर ली, ठीक। तो इससे हम एक इक्वेशन बना लेंगे, इसी टाइप से जो इसमें दूसरी कंडीशन होगी उससे हम दूसरी इक्वेशन बना लेंगे, ठीक। तो जो हमारे पास अभी एक्सप्रेशन बना था वो बना था x-7 = 7 × y-7, ठीक है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये x-7 ऐसे ही रहेगा, ये 7 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 7 × -7 × 7 = 49। और फिर इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये x हमने ऐसे ही लिखी है, ये 7y इस तरफ ले आए तो ये माइनस का 7y हो गया इक्वल टू -49, और ये 7 इस तरफ जाके प्लस का 7 हो गया, ठीक। तो यहाँ से ये इक्वेशन बन गई x-7y = -42, ठीक है, जो हमारी पहली इक्वेशन हो गई, ठीक। तो अगर अब हमें दूसरी लीनियर इक्वेशन बनानी है तो हम इस क्वेश्चन का दूसरा स्टेटमेंट जो था उसको कंसिडर कर लेंगे। तो अगर हम ध्यान दें तो इसका जो दूसरा स्टेटमेंट था उसमें जो फादर है वो अपने डॉटर से कहता है कि आज से 3 साल बाद जो मेरी एज होगी वो तुम्हारी एज के 3 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आज से 3 साल बाद के लिए जो उन दोनों की एज होगी उसको भी कंसिडर कर लेंगे, ठीक। तो अगर अब हम आफ्टर 3 ईयर्स की बात करें तो जो आफ्ताब की एज होगी वो हो जाएगी x+3, क्योंकि जो इसकी प्रेजेंट एज थी वो 3 है और आज से 3 साल बाद की एज देखनी है तो 3 साल उसमें ऐड हो जाएंगी, तो आफ्ताब की जो एज होगी वो x+3 हो जाएगी। तो इसी टाइप से जो उसकी डॉटर की एज होगी वो y+3 हो जाएगी, क्योंकि उसकी प्रेजेंट एज है उसके डॉटर की y और आज से 3 साल बाद उसकी एज भी 3 साल बढ़ जाएगी तो y+3 हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया था कि जो उसके फादर की एज है आज से 3 साल बाद वो 3 टाइम्स हो जाएगी उसके डॉटर की एज की, ठीक। तो उसके फादर की एज थी x+3, उसके डॉटर की एज थी y+3, और 3 टाइम्स हो जाएगी। तो मैंने क्या कहा था कि जो छोटी एज होती है हमारे पास या जो छोटा नंबर होता है हम उसको बड़ा करते हैं ताकि हम इक्वेशन में उन दोनों को इक्वल दिखा सकें, ठीक है। तो हमने 3 टाइम्स कर दिया उसके डॉटर की एज के, तो अब उसके डॉटर की एज को अगर हम 3 टाइम्स कर देंगे तब जाके वो उसके फादर की एज के इक्वल होगी, ठीक है। और क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं हम इक्वेशंस को इक्वल टू करके दिखाते हैं, ठीक है, इक्वालिटी करके दिखाते हैं, इसलिए हमें दोनों एज बराबर करनी होती है, ठीक। फर्दर हम इसे आगे सॉल्व कर लेंगे तो हमें दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। हमने इसको आगे सॉल्व कर लिया तो यहाँ पे ये x+3 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3y+9, 3 × 3 9 हो गया। अब अगर इसको फर्दर और सॉल्व करें तो ये 3y को हम इस तरफ ले आए तो ये हो गया x-3y, ये 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का 9 है तो 9-3 ये 6 हो जाएगा। तो जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास वो जाएगी x-3y = 6। तो जो हमारे पास दो इक्वेशन बन के आई वो आई x-7y = -42, दूसरी जो इक्वेशन आई वो आई x-3y = 6। तो जो इसको हमें एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस करना था वो हमने ये दो इक्वेशन के फॉर्म में इसको दिखा दिया। तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इसको एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस करने को कहा था तो हमने सिर्फ इसको इक्वेशन के फॉर्म में निकाल के छोड़ दिया। अगर इसको आगे फर्दर सॉल्व करने को कहा होता यानी उन दोनों की एज हमें कैलकुलेट करने को भी कही होती तो हम क्या करते, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते और यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेते, तो इसके थ्रू हमें अल्ताफ की भी एज मिल जाती और उसके डॉटर की एज भी मिल जाती, ठीक। तो दूसरी चीज जो इसमें पूछी गई है वो है कि इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करो। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशन से पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन बना लेंगे, ठीक है।
क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो उसके लिए जो हमारे पास इक्वेशंस हैं उससे हम पहले सॉल्यूशंस निकाल लेंगे, यानी हम एक्स वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकाल लेंगे और फिर उसके थ्रू हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पहली वाली इक्वेशन को कंसिडर कर लें तो उससे हम एक्स वाई की वैल्यूज इस टाइप से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने पहली वाली इक्वेशन कंसिडर कर ली, एक्स माइनस सेवन वाई इक्वल टू माइनस 42। यहां से हमने क्या किया, इसको पूरा एक्स के टर्म में लिया है, वाई को उस तरफ ले गए, तो y को उस तरफ ले गए तो x इज इक्वल टू ये माइनस सेवन वाई उस तरफ जाके प्लस का 7y हो गया और ये माइनस 42 ऐसे ही रहा, तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 7y माइनस 42। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज इसमें पुट करके देखेंगे, या तो हम x की वैल्यू पुट कर सकते हैं या तो y की। x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की निकल के आएगी, y की पुट करेंगे तो x की निकल के आएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे y की वैल्यू कंसिडर कर ली, तो हमने y इक्वल टू 6 रख लिया, जानबूझ के वैल्यू रखी है क्योंकि हमें दिख रहा है कि 7 6 42 होने वाला है, तो 42 माइनस 42 जीरो आ जाएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो इसलिए ये y इक्वल टू जानबूझ के 6 रखा है। ऐसा नहीं है कि आप 6 छोटी वैल्यू नहीं रख सकते हो, रख सकते हो, उससे नेगेटिव वैल्यू आएगी वो भी चल जाएगी, लेकिन हमने क्या किया है ताकि इसको सिंपल करें, सिंपल रहे, पॉजिटिव टर्म्स में ही रहे, तो इसलिए हमने ऐसी वैल्यूज रखी है जिससे पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो y इक्वल टू 6 रखा हमने इसमें, तो x इज इक्वल टू हो गया 7 into 6 minus 42, 7 6 42, 42 minus 42 हो गया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आ गया 42 minus 42, तो x की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे वो आ जाएगी 0, ठीक। इसी टाइप से अगर मैं y की वैल्यू को 7 पुट कर लूँ तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 into 7 minus 42, ये y की जगह यहाँ पे 7 रख लिया तो ये 7 into 7 minus 42 हो गया, तो x इज इक्वल टू आ गया 49 minus 42, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 7, ठीक। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यूज का टेबल बना लिया, x और y की वैल्यूज के लिए हमने ये टेबल शो कर दिया। तो जब हमने y की वैल्यू 6 रखी थी तो x की वैल्यू जो आई थी वो 0 आई थी, तो हमने यहाँ पे शो कर दिया 6 पे 0 वैल्यू x की। इसी टाइप से जब हमने y की वैल्यू 7 पुट करी थी तो x की वैल्यू भी 7 आई थी, तो 7 पे जो वैल्यू है x की वो 7 है, ठीक। तो जो पहली इक्वेशन से हमारे पास टेबल आया है वो मैंने यहाँ साइड में बना लिया ताकि हमें याद रहे, ठीक। तो हम यहाँ पे दूसरी इक्वेशन को आप कंसिडर कर लेंगे, तो यहाँ पे जो दूसरी इक्वेशन हो गई हमारे पास वो हो गई x माइनस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। तो अब ये जो माइनस का 3y है इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ राइट साइड में, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3y प्लस 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक्स वाई की वैल्यूज को पुट कर लेंगे और इसके लिए अलग अलग वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक, जैसे कि अभी हमने पीछे किया था। तो अब यहाँ पे मैं y की वैल्यू 0 रख लेता हूँ, तो 0 रखने पे यहाँ पे y की वैल्यू ये हो जाएगा x इक्वल टू 3 into 0 plus 6, ठीक है। तो ये इक्वल टू करके आ जाएगा, ये 3 into 0 0 हो जाएगा प्लस 6, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 6। इसी टाइप से अगर मैं y को 1 रख लेता हूँ तो x इक्वल टू आ जाएगा 3 into 1 plus 6, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 3 plus 6, यानी x इक्वल टू आ जाएगा 9, ठीक। तो इस टाइप से हम इसकी जो वैल्यूज है उसको प्लॉट कर लेंगे। तो एक्स वाई की वैल्यूज यहाँ पे हमने दिखा दी, जब हमने y को 0 रखा था तो x 6 आया था, तो वो हमने यहाँ दिखा दिया 0 पे x की वैल्यू है 6। इसी टाइप से जब हमने y की वैल्यू 1 रखी थी तो x की वैल्यू 9 आई थी, तो y 1 था जब तो x है 9। तो यहाँ से हमारे पास दो टेबल दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अब हम इन दोनों टेबल के थ्रू जो है ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन के थ्रू वैल्यूज आई है उनके थ्रू अब हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पहली इक्वेशन के थ्रू वैल्यूज आई थी, तो हम इनके थ्रू पहले वैल्यूज को प्लॉट कर लेंगे, फिर जो दूसरी इक्वेशन आई थी इसकी वैल्यूज को प्लॉट कर लेंगे। तो इन दोनों से क्या होगा कि दो लाइंस बन जाएंगी और उसके थ्रू वो ग्राफ रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम पहली वाली वैल्यू को देखें तो एक्स की जब वैल्यू 0 है तो वाई 6 है, तो जब एक्स 0 है तो वाई 6 है, तो ये वैल्यू यहाँ रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। और ये तो आपको पता ही होगा, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाली हमारी वाई एक्सिस होती है, ठीक। तो 0 जब x की वैल्यू 0 थी तो y 6 था, तो ये पॉइंट मार्क होगा y पे क्योंकि x तो 0 है। दूसरी वैल्यू देखें तो 7 पे वैल्यू 7 है, यानी जब x 7 है तो y भी 7 है, तो ये है x 7 y 7, तो ये वैल्यू यहाँ आके यहाँ मीट करेगी, तो ये वैल्यू बनेगी यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम इसके थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसी टाइप से हम दूसरे वाले को भी इसी टाइप से प्लॉट कर लेंगे। तो अब हमने क्या किया, जो हमने पहली इक्वेशन से जो पॉइंट्स आए थे उसको हमने लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट हमने ज्वाइन कर दिया लाइन से। इसी टाइप से अब दूसरी इक्वेशन को भी हम प्लॉट करते हैं। तो अगर दूसरी इक्वेशन देखें तो यहाँ पे जब y 0 है तो x 6 है, तो y जब 0 है y की वैल्यू, तो x 6 है, तो ये 6 पे मार्क होगा क्योंकि y की वैल्यू 0 है। दूसरी वैल्यू देखें, जब y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 9 है, तो ये 1 और ये 9, तो ये यहाँ पे जाके कहीं वैल्यू मिलेगी, तो ये बनेगी इसकी
दूसरी वैल्यू, अब इन दोनों को भी हम ज्वाइन कर लेंगे। तो इस टाइप से हमने इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर दिया और इसके थ्रू भी एक लाइन पास हो गई, ठीक है। तो अब ये जो दोनों लाइन है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रही है उन दोनों इक्वेशन का, जो इक्वेशन हमने निकाली थी इसके लिए। तो अब ये वाली जो लाइन है वो इस वाली इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, x माइनस सेवन वाई इक्वल टू माइनस 42, और इसी टाइप से ये वाली जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है x माइनस थ्री वाई इक्वल टू 6 को, ठीक। तो इस टाइप से हम किसी भी क्वेश्चन को अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली शो कर सकते हैं। तो जो इस पहली एक्सरसाइज में बाकी क्वेश्चन हैं वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, तो आप उन क्वेश्चन को अपने आप भी कर लोगे। अगर नहीं कर पाओगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा फिर इसके सॉल्यूशन के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।